मेरा नाम हरविंदर है और मेरे चैनल बेस्ट फ्यूचर में आप सभी का मोस्ट वेलकम। फ्रेंड, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है सैमसंग AI टच कंट्रोल पैनल के ऊपर, कि जो वॉशिंग मशीन के अंदर AI टच कंट्रोल पैनल आता है उसके अंदर आपको वाईफाई ऑन ऑफ कैसे करना है, लैंग्वेज को कैसे करना है, लैंग्वेज को चेंज कैसे करना है, क्योंकि इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 2 लैंग्वेज मिलेगी, एक हिंदी और एक इंग्लिश। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप इस वॉशिंग मशीन, जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो सैमसंग के अंदर आती है, उसको कंट्रोल कर सकते हो। और साथ ही साथ इसके तीसरे फीचर के बारे में बात करेंगे कि इसको फैक्ट्री रीसेट कैसे करें वॉशिंग मशीन। तो फ्रेंड, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस वीडियो को देखते हो तो उस समय आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं और ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। तो फ्रेंड, आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, जो ये एडवोस वॉशिंग मशीन आती है, ये 8 kg का मॉडल है और ये एडवोस फीचर के साथ है कि इसमें आप कभी भी आप रिंग्स के टाइम, वॉश के टाइम, स्पिन के टाइम एक बारी वॉशिंग मशीन को पॉज करके और एक्स्ट्रा कपड़ा आप ऐड कर सकते हो। तो इसकी आप लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, जो कि AI टच कंट्रोल पैनल आता है, इसकी वाईफाई को ऑन ऑफ कैसे कमांड दे सकते हो और फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हो। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ये इसका ऑन ऑफ बटन रहेगा, यहाँ से ऑन रहेगी, यहाँ से ऑफ रहेगा। और सेकेंड, जैसे ही आप ऑन कर दोगे उसके बाद ये इसका प्ले पॉज का बटन रहेगा कि आप वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करते हो, कभी भी आप पॉज करना चाहते हो। और ये जो डायल रहेगा ये इसका स्किप का बटन रहेगा कि आप एक्स्ट्रा इसके फीचर में आप ऐड होना चाहते हो, जैसे आप इसमें अंदर किस टाइप के कपड़े वॉश करना चाहते हो, कॉटन, लिनन, सिंथेटिक की, जैसे कि देख रहे हो जो ये डायल रहेगा, इससे आप नेक्स्ट फीचर ऐसे चेंज कर सकते हो। तो आपको लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि आप इस बटन में दिखाई दे रहे होंगे, ये हैंड का बटन है, इस पर आप 3 लॉन्ग टाइम प्रेस जैसे रखोगे तो यहाँ पर आपको सिस्टम फंक्शन जैसे दिखाई देंगे। तो उसके बाद आप डायल को जैसे घुमाओगे तो इसमें पहला मिलेगा AI पैटनर, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये पैटनर है इसको आप ऑन करना चाहते हो या ऑफ करना चाहते हो। ऑन करना है तो इस तरह से, ऑफ करना है तो इस तरह से, ये जैसे मैं ऑन करना है कि आपने आप ही जैसे आपने 10 वॉशिंग प्रोग्राम किए उसके बाद 11वीं के अंदर जो कमांड आप देते हो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। और दूसरा इसमें रहेगा, जैसे मैं सिस्टम फंक्शन पे गया, सॉरी ये मैं दूसरे में आ गया, ये मैं जैसे इसको लॉन्ग टाइम प्रेस रखूँगा तो यहाँ पर एक एडिशनल फंक्शन आता है, एक सिस्टम फंक्शन पे जैसे पहले तो AI पैटर्नर रहेगा, दूसरा रहेगा अलार्म कि आपकी वॉशिंग मशीन कंप्लीट प्रोग्राम के बाद अलार्म दे या फिर ऑन करोगे या ऑफ करोगे, किस तरह कमांड देना चाहते हो। एक एक्सपेक्ट कैलिब्रेशन रहेगा कि इसमें आप वेट के हिसाब से आपकी ड्रम की मूवमेंट रहेगी। सेकंड ये रहेगा वाईफाई, कि वाईफाई जो आप कनेक्टिविटी देना चाहते हो आप मोबाइल के थ्रू, उसको ऑन करना चाहते हो या ऑफ करना चाहते हो, किस तरह क्या कमांड देना चाहते हो, तो इसमें रहेगा। ये रहेगा लैंग्वेज का, लैंग्वेज के लिए जैसे लैंग्वेज पर क्लिक करोगे तो उसके बाद ओके, और ये डायल को जैसे घुमाओगे तो ये हिंदी में कंट्रोल करना है या इंग्लिश में, अगर हिंदी में करना है तो यहाँ पर ओके कर दीजिए तो आपकी लैंग्वेज हिंदी में सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए ये फिर, अगर आपने फिर लैंग्वेज को चेंज करना है तो ऐसे ही डायल को घुमाइए और ओके कर दीजिए, ये आपकी हिंदी में लैंग्वेज सेलेक्ट होगी। और उसके बाद ये वॉशिंग मशीन को आप फैक्ट्री रीसेट की कमांड देना चाहते हो ओके या नहीं, किस तरह से क्या चाहते हो, जैसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ, अगर ओके करना चाहते हो डायल को घुमाइए तो ये हाईलाइट हो जाएगा ओके, और ये इस समय ये हाईलाइट जैसे वीडियो में थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा तो फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये सॉरी मेरे से ऑफ होगी। इसमें लिए आपको जाना कैसे है कि ये जो हैंग का बटन है इसको 3 के लिए, 3 सेकंड के लिए और लॉन्ग टाइम प्रेस रखना है आपको। पहले जैसे आपने ऑन कर दिया वॉशिंग मशीन को, उसके बाद 5 क्लिक करोगे तो इसके जो ऑल फंक्शन है वो खुल जाएंगे और इसको हैंड को प्रेस रखोगे, इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक एडिशनल फंक्शन, एक सिस्टम फंक्शन। सिस्टम फंक्शन पे जैसे जाओगे आप, ये देखिए फ्रेंड सिस्टम फंक्शन, इसमें AI पैटर्नर, अलार्म, एक्सपर्ट कैलिब्रेशन, वाईफाई एंड फैक्ट्री रीसेट, लैंग्वेज एंड फैक्ट्री रीसेट, तो ये आपको कमांड मिलेगी। तो फ्रेंड, कैसी लगी मेरी ये वीडियो, और ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो देखने के लिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।